हेलो नमस्कार, मैं एक पूर्व चिकित्सक सेवानिवृत्त हूँ। मैं जिला अस्पताल बदायूं से काफ़ी अच्छे से समय से 2002 में ही सेवानिवृत्त हो चुका था। मेरा नाम सुरेश चंद नौगरिया है, इस समय बदायूं में हूँ। मेरा जो मैं अनुभव कहता है कि टीबी से इलाज जो है कराने की नियमित रूप से ज़रूरत है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो है मुख्य है जो चिकित्सा को भी जानना चाहिए और उससे ज़्यादा मरीज को भी जानकारी में बहुत ज़्यादा है। इसका इलाज जो है नियमित रूप से होना चाहिए। इसमें कोई भी बीच में दबा की तोड़ने की या कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर मरीज नियमित रूप से चिकित्सक के अनुसार सही रूप से दवा ले रहा है तो ये बीमारी मेरे समझ से ऐसी है कि संपूर्ण रूप से जड़ से मिटाई जा सकती है। जबकि एलोपैथिक में कुछ दवाइयाँ जो है, कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो सिर्फ कंट्रोल हो सकती है, जड़ से नहीं जाती। उसमें टीबी एक ऐसी बीमारी है जड़ से निकाली जाती है। उसके लिए करना क्या है, नंबर एक नियमित रूप से दवा लेनी है, नंबर दो नियमित रूप से आप अपना चिकित्सक कराते रहिए। सरकार ने इस समय इतनी सेवाएं उपलब्ध कर दी कि अगर किसी मरीज को आने जाने में असुविधा होती है तो उन्होंने टीबी क्लिनिक के लिए घर तक दवाओं पहुंचाने का जरिए साधन किया। अगर किसी के पास धन अभाव है उसके लिए भी सरकार ने ऐसे साधन उपलब्ध करा रखे हैं कि उसको दवाएं फ्री में और धन के साथ उपलब्ध हो रही है। दवाएं अगर वो नियमित रूप से लेता है और चिकित्सक के अनुसार लेता है तो ये निश्चित ही टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा के साथ साथ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और मरीज भी स्वस्थ रहेगा। उसको अपनी चीज़ का पूरी तरह से ध्यान देना जरूरी है। बकाया तो ये सब चीज़ में जो सुविधाएँ जो सावधानियाँ बरतनी है उसमें यही है कि कोई भी नशा, चाहे वो टीवी पे सिगरेट का हो, अफीम भांग गांजे का हो, शराब का हो, नशे से पहले दूर रहना अति आवश्यक है। नियमित रूप से दवाएँ लेना जरूरी है। दवाओं को कोई नियमित नहीं करना चाहिए। मैं इसके उम्मीद से करते हुए सभी चिकित्सकों से और मरीजों से अनुरोध करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि उस चीज़ का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से दवाएं का सेवन करें।